अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या, और दोस्तों आज आपके 16 सितंबर 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी बिहार में शिक्षकों के 4 लाख से अधिक पद खाली। यूपी के प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक शिष्य अनुपात आपका बुरी तरह बिगड़ चुका है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपकी नौकरी की नहीं, उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी, ऐसा कहना है दोस्तों केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। तो दोस्तों इनके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा और उनको बताइएगा कि हमारे यहाँ नौकरी की कमी है कि योग्यता की कमी। दोस्तों हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ये बात हमारे लिए कही गई है, तो हमारे चैनल की तरफ से तो भाई ये साफ साफ कहना है, क्या बोले दोस्तों, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे आपके एबीआरसी व एनपीआरसी के पद समाप्त करने के विरोध, शिक्षा मंत्री के बयान से रोष, एबीआरसी कल्याण समिति ने शासनादेश से छेड़छाड़ पर निंदा का प्रस्ताव किया पारित। उसके बाद दोस्तों आपका 68,500 शिक्षक भर्ती की गलत कॉपी जांचने वाले 21 शिक्षकों पर आरोप तय हो चुके हैं। प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा महानिदेशालय के गठन पर अधिक फैसला होगा जल्द, लंबे समय से बेपटरी बेसिक शिक्षा को पटरी पर लाने से मिलेगी उम्मीद। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 40, 45 और 60 को लेकर कब तक होगी शिक्षक भर्ती पूरी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, अभी नॉर्थ इंडिया या अपने यूपी में अभी तक शिक्षकों को तो नौकरी मिल नहीं रही है, टीचर्स को तो, बाकी तो दोस्तों बात ही छोड़ देते हैं। और बात आती है योग्यता को, तो दोस्तों योगी सरकार ने साफ साफ कहा था कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होगी तो 60-65 पर होगी, या जो कोर्ट की तरफ से फैसला है दोस्तों वो 40 और 45 को लेकर आया था। ठीक है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो ये कुछ आंकड़े देख लेते हैं, यूपी बिहार में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली कैसे। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या गया डेटा दिया गया है, ठीक है पूरी खबर दोस्तों पढ़ते हैं। हिंदी भाषी राज्यों के 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 6.25 लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। इसमें भी 2/3 खाली पद सिर्फ 2 राज्यों यूपी और बिहार में है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत होने वाले राज्यों के कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठक में राज्यों की ओर से दिए गए नवीनतम आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। हिंदी भाषी राज्यों में हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में स्थिति यूपी बिहार की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य केरल और तमिलनाडु अन्य मामलों की तरह इसमें भी अव्वल है। पीएबी में पेश आंकड़े आपके बताते हैं कि हिंदी भाषी राज्य में शिक्षकों के कुल 6,22,844 स्वीकृत पद खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बताइए 6 लाख वैकेंसियां खाली चल रही हैं, कभी ना कभी तो इसको भरा ही जाएगा, ठीक है। और इसमें से दोस्तों 3,93,804 पद यूपी और बिहार में खाली है। तो दोस्तों सोच लीजिए लगभग 4 लाख के करीब हमारे यहाँ वैकेंसियां खाली हैं और बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए दिक्कत कहाँ से है, दिक्कत हमारे सिस्टम में जो भी ऊपर बैठते हैं। दोस्तों देखिए भी आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती को अब 1 साल धीरे धीरे दोस्तों पूरे होने को आ चुके हैं। अब आपका सितंबर माह तो समाप्ति की ओर आ चुका है, आपको पता ही है। तो वैसे ही दोस्तों होता है ना कि भाई वैकेंसी कब निकलती है, नौकरी कब मिलती है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहाँ शिक्षकों के 1,80,998 पद खाली पड़े हैं, कुल स्वीकृत पदों का 31.22%, वही दूसरी तरफ इस राज्य से 78,372 शिक्षक बिना किसी जरूरत स्कूलों में तैनात हैं। शिक्षकों की कमी के चलते राज्य के 90% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 विषयों के शिक्षक मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश के 41% प्राथमिक स्कूलों और 42% उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक शिष्य अनुपात बुरी तरह बिगड़ चुका है। तो दोस्तों आपने देखा यार इतनी ज्यादा हमारे यहाँ सीटें खाली चल रही हैं, लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग की 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर रेशियो कुछ अलग अलग तरह से डेटा बनाया जाता है कि 30 बच्चों पर एक टीचर का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके स्कूल में प्राथमिक स्कूल में अगर 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक टीचर होना जरूरी होता है, तो उसके हिसाब से दोस्तों ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आप लोग के सह समन्वयकों के पद समाप्त करने का विरोध, शिक्षा मंत्री बयान से रोष, उस पर भी दोस्तों बात करेंगे। और दोस्तों देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट की गलत कॉपी जांचने वाले 21 शिक्षकों पर आरोप तय किए जा चुके हैं।
तो देखिए कितनी दिक्कतें होती हैं। आप लोग सोचते होंगे यार कि नंबर बढ़ा दिए जाते हैं टीचरों के द्वारा, तो यहाँ पर भी टीचर पकड़े भी जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर आप लोग गलत कॉपी चेक करेंगे या फर्जीवाड़ा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों पूरी खबर क्या है देखते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में गलत कॉपी जांचने वाले 21 शिक्षकों के आरोप पत्र देने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यवाही आपकी कार्यवाही के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। कार्रवाई के तौर पर इन शिक्षकों या अध्यापकों की सर्विस बुक में निंदात्मक व प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जा सकती है। इन अध्यापकों पर 68,500 शिक्षक भर्ती में गलत कॉपी जांचने का आरोप है। इस शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले वर्ष मई में हुई थी और इसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आयोजित किया था, यह आपके पीएनपी। ठीक है दोस्तों, अगस्त 2019 में घोषित परिणाम में 41,556 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो दोस्तों अगस्त 2018 होगा, लेकिन हाई कोर्ट में एक कॉपी गलत जांचने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इस पर जांच बैठा दी। इस जांच में कॉपियों के नंबरों का जोड़ आदि जांचा गया। जांच के बाद 55 अभ्यर्थी सफल पाए गए, वही लगभग इतने ही सफल अभ्यर्थी कॉपियों में फेल दिखे। तो दोस्तों जितने बच्चे नए पास हुए उतने बच्चे फेल हो गए। इसके बाद राज्य सरकार ने कॉपियां दोबारा जंचवाने के लिए आवेदन मांगे। इसमें लगभग 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कॉपियां जांची और इसमें 4,688 अभ्यर्थी और सफल हो पाए। ठीक है, इसका रिजल्ट फरवरी 2019 में आया, अब 7 महीने के बाद। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उन अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरोप पत्र तैयार कर रहा है जिन्होंने गलत कॉपियां जांची थी। अब दोस्तों बात करेंगे आप लोग क्यों कि बेसिक शिक्षा महानिदेशालय का गठन होगा पर सरकार अड़िग और फैसला होगा जल्द। तो दोस्तों देखिए इतनी चीजें हो रही हैं और इस खबर को एक बार पढ़ लेते हैं जरा कि नौकरी के नहीं उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी क्या है। पूरी खबर उसको देखते पहले, केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री संतोष गंगवार का कहना है कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है, हमारे उत्तर भारत के लोगों में योग्यता की कमी है। यहाँ नौकरी के लिए रिक्रूट करके आने वाले अधिकारी बताते हैं कि जिन्हें जिस फन के लिए लोग चाहिए उनमें वह योग्यता नहीं है। केंद्रीय मंत्री आईवीआरआई के सभाकर में केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में अपने कार्य से जनता में शासन के प्रति विश्वास जगाया है, देश में आर्थिक मंदी जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, इनमें सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय भी शामिल है। संतोष गंगवार ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और कई अन्य योजना के जरिए सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ा उद्यमी बनाने की भी कोशिश की है जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुंचाने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के 18 करोड़ परिवारों में से कुल 3,52,00,000 परिवारों को ही नल से पानी पीने को मिल रहा है। तो दोस्तों इनको एक बात और हमें बतानी चाहिए कि पानी फ्री में नहीं आता, अगर पानी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खरीदना चाहेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा और पैसा आप तब दे पाएंगे जब आप नौकरी करते हैं। बेरोजगार दोस्तों आदमी ना तो पानी खरीद सकता है, जाके पता कर लीजिए दिल्ली में पानी का रेट क्या है। देखिए होता है क्या दोस्तों ना, जो ये सब जो बड़े बड़े फैसले आते हैं ना, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो दिल्ली के एसी रूम में बैठ के फैसले वहां से सुनाए जाते हैं और उनको तो पता नहीं होता कि देश में हो क्या रहा है। और दोस्तों अगर उनकी भी हम क्वालिफिकेशन निकाल लें या अपने देश में जितने भी मंत्री हैं उनके क्वालिफिकेशन निकाला जाए तो पता चल जाएगा दोस्तों कि आज के दिन एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा नौकरी की दर दर की ठोकरें खा रहा है। और होता है दोस्तों राजनीति में देखिए होता है कहना, जब आप सक्सेस पा जाते हैं ना तो कुछ भी बोलने से पीछे नहीं हटते। अब दोस्तों यहाँ पूरे उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, एक से बढ़कर एक बच्चे हमारे यहाँ टैलेंटेड बैठे हैं। तो किस्मत खराब होती है दोस्तों कि हम गलत सरकार को या गलत मंत्री को चूज करते हैं। आप योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो दोस्तों, देखिए सरकार तो अपना काम अच्छे से करती है लेकिन उनके जो मंत्री होते हैं वो ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं, बच्चों को और डिमोटिवेट करते हैं। दोस्तों देखिए जो बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप इनके हमारी बात हो रही तो एक बार आप दिल्ली जाकर देख लीजिए मुखर्जी नगर, वहां बच्चे कैसे लाइन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि अपने देश में क्या रोजगार बढ़ रहा है, बेरोजगारी आ रही, क्या हो रहा है। और दोस्तों साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया आप खुद जा चुके हैं, ठीक है
वहां के लोग थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, तो मतलब दूसरी ये नहीं होता कि जिनको इंग्लिश आती है वो भाई देश में बहुत बड़े पद पर हैं। और एक ही और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, हमने खुद एक साउथ इंडिया के बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में हमने खुद भी पढ़ाई की थी, तो वहाँ के टीचर्स को कितना आता है साउथ इंडियंस को वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नाम नहीं लेना चाहेंगे दोस्तों कि पब्लिसिटी होगी किसी कॉलेज या स्कूल की, लेकिन दोस्तों नॉर्थ इंडिया के टीचर जितने अच्छे हैं ना हम लोग, उससे अच्छा दोस्तों देश में कोई नहीं है। हम लोग हिंदी बोलते हैं अच्छा है, और दोस्तों खाली बस ये है कि वहाँ के लोग थोड़े इंग्लिश बोल लेते हैं, तो इसलिए दोस्तों वो अपने आप को ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, अभी आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, अगली डेट दोस्तों जैसे ही आपकी आती है उस पर और वीडियोस बनेंगी, और दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग को पता था दोस्तों जैसे कि एक हफ्ते के बाद दोस्तों हमारी अगली डेट लगी है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि उस बार भी एजी साहब उपलब्ध होंगे। जैसे लास्ट जो हियरिंग हुई थी उसमें एजी साहब आपके आए थे और उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा था। रीजन दोस्तों यही था कि सरकार की तरफ से पूरी प्रयास नहीं हो पाया था, लेकिन दोस्तों जो बच्चों ने धरना किया वो एक तरह से सफल हुआ और एजी साहब को बुलाने की मांग की गई थी और वो उस पर पेश हुए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और जो नए पद खाली दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सरकार उस पर जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी।